नमस्ते जी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज ना मैं बनाने जा रही हूँ लेफ्ट ओवर रोटियों से मंचूरियन, तो आइए आपके साथ भी शेयर करते हैं। ये लेफ्ट ओवर रोटियां हैं, सुबह की रोटियां हैं, इनसे हम बनाने जा रहे हैं आज मंचूरियन। तो मैंने 4 से 5 ले ली है रोटी, इनको मैंने तोड़ लिया है इस तरह से। इसको आप चाहें तो ऐसे ऐसे हाथ से रगड़ के भी बारीक कर सकते हैं, नहीं तो इन टुकड़ों को मिक्सी में चला लीजिए, बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। ये देखिए, मिक्सी में चला के बिल्कुल बारीक इसका चूरा बना लिया है। अब हमें इसमें थोड़ी सी चीजें मिलानी है, बढ़िया सा मंचूरियन बनाते हैं। इसमें डालने के लिए मुझे चाहिए आलू, मैंने 3 आलू लिए हैं उबले हुए, इसको अपन ग्रेट कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी चॉप करी हुई गाजर, मैंने 1 गाजर ली है, इसको बारीक चॉप कर लिया है। थोड़ी सी डाल देंगे इसमें चॉप करी हुई हम पत्ता गोभी, आप जो सब्जी डालना चाहे डाल सकते हैं, आपको पसंद जो सब्जी वो उसमें डालिए। अब इसमें डालेंगे हम नमक, स्वाद अनुसार नमक, और इसमें डाल रहे हैं हम अमचूर। भाई देखिए, ये ट्विस्टेड मंचूरियन है तो इसमें कुछ भी डालेगा, जज मत कीजिएगा कि आपने ये डाल दिया। थोड़ा सा कुछ अलग करने की, इनोवेशन करने की तैयारी है। और इसमें डाली मैंने 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी चॉप करी हुई हरी मिर्च, आप इन सबको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। आप चाहें तो इसमें ग्रेट करके पनीर भी डाल लीजिए, शिमला मिर्च डालना चाहे शिमला मिर्च डाल दीजिए, जो डालना चाहे सब्जी वो आप डाल सकते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं दही, 1 से 2 चम्मच दही डाल दीजिए, थोड़ा ये सूखा सूखा नहीं रहेगा, अच्छा सा वो हो जाएगा, थोड़ा गीला हो जाएगा, मॉइस्ट हो जाएगा अच्छे से। और 1 चम्मच डाल दीजिए कॉर्नफ्लावर, और इन सबको भी मिला के मिक्स कर दीजिए वापस। थोड़ा सूखा सूखा लग रहा था ना वो बिना उसके, तो इसमें दही डाल देंगे तो अच्छा सा मॉइस्ट हो जाएगा हमारा। देखिए, बढ़िया सा डो बन के तैयार हो गया है। अब इससे क्या बनाना है, हमें बॉल्स बनानी है, तो शुरू करते हैं। जितनी बड़ी आपको बॉल्स बनानी है, वैसे इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे ना, थोड़ा तो जाके ग्रेवी में फूलेगी भी। कॉर्नफ्लावर से और आलू से इसमें पौची सी बाइंडिंग आ जाएगी और दही इसको मॉइस्ट कर देगा हमारी रोटी को, पता नहीं चलेगा कि ये रोटी का बना हुआ है। देखिए, छोटे छोटे बॉल्स बना के रख लेंगे, इस तरह से सारे बॉल्स बना लेंगे। ये हमारी बॉल्स बन के तैयार है मंचूरियन के लिए। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। बॉल्स को फ्राई करने के लिए हमने तेल गर्म करने रख दिया है, तेल गरम हो जाए उसको मीडियम कर लीजिए और फिर ये बॉल्स डालिए। बबल्स आना जब खत्म हो जाएंगे तब हम इनको हिलाएंगे। बबल्स कम हो गए हैं, अब इनको थोड़ा सा हिला देते हैं, सारी तरफ से अच्छे से ये फ्राई हो जाए। देखिए जी, हमारी बॉल्स फ्राई होके बिल्कुल तैयार है। बाउल में निकाल के रख लेते हैं और इसी तरह सारी बॉल्स तल लेंगे। हमारे सारे बॉल्स तल गए हैं, अब इनको निकाल लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। अगर सॉस नहीं बनाना है, मंचूरियन नहीं बनाना है, तो आप इसमें भी चाट मसाला डालिए और एज अ स्नैक्स इसको भी यूज कर सकते हैं। अब मंचूरियन की तैयारी करते हैं, मंचूरियन के सॉस की तैयारी करते हैं। आज ये सॉस ना हम थिक नहीं बनाएंगे, आज हम थोड़ा सा अलग तरह का सॉस बनाएंगे। मंचूरियन बनाने के लिए मैंने 1 कलछी तेल ले लिया है, इसको गरम करके इसमें बारीक चॉप करे हुए लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ये डाल देंगे। अदरक का स्वाद जो थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है ना, तेल में भून लिया जाता है, उसके बाद बड़ा अच्छा सा आता है, तो अपन इसको
चला लेते हैं। थोड़ा सा लहसुन फ्राई हो जाए इसमें डाल देंगे प्याज थोड़े मोटे कटे हुए और थोड़े से बारीक कटे। इसको जल्दी से टॉस करेंगे क्योंकि पकाना नहीं है हमें सब्जियों को। इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च, मेरे पास दो तरह की थी मैंने दोनों तरह की डाल दी हैं, लाल और हरी, आपके पास जो हो आप वो डाल लीजिए। मिक्स करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक अंदाजे से क्योंकि सॉसेज में भी नमक है और हमारे मंचूरियन बॉल्स में भी नमक है। थोड़ी डाल देंगे काली मिर्च, फटाफट इसको टॉस करेंगे। इसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच सोया सॉस, ये मेरा डार्क सोया सॉस है, मैं डार्क यूज़ कर रही हूँ, आप जो लाइट लेना चाहें तो लाइट ले सकते हैं। एक टेबल स्पून मतलब एक बड़ा चम्मच डाल देंगे विनीगर, चिली सॉस एक चम्मच, मिक्स कर लेंगे, और टमाटो सॉस दो चम्मच, दो बड़े चम्मच, इनको अच्छे से मिक्स किया। आज ना थोड़ा ग्रेवी वाला हम मंचूरियन बना रहे हैं तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है एक चम्मच स्लरी कॉर्नफ्लावर की और एक ग्लास डाला है पानी। इसको थोड़ा सा थिक कर लेंगे, एक बॉईल आने तक इसको उबाल लेंगे, या आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा बनाना चाहते हैं, गाढ़ी ग्रेवी चाहिए या लाइट ग्रेवी। ग्रेवी बन रही है, इसके अंदर ना एक ट्विस्ट और डाल देते हैं। इस ग्रेवी में डाल देते हैं अपन एक चम्मच शेजवान सॉस, टेस्ट इनहेंस हो जाएगा इसका। देखिए बढ़िया से हो गया। अब इसमें जो ये मंचूरियन बॉल्स हमने बना के रखी हैं वो डाल देंगे, सारी बॉल्स एक साथ। जी, 2 मिनट अब इसको इसी के साथ पकाते हैं, थोड़ी सी बॉल्स फूल जाएंगी और बढ़िया सा हमारा मंचूरियन रोटी मंचूरियन बनके तैयार हो जाए। देखिए जी हमारा मंचूरियन बनके तैयार है, अब हम गैस को बंद कर देंगे, इसको गार्निश कर देंगे स्प्रिंग अनियन की लीव्स के साथ और बस नाउ इट्स रेडी टू सर्व। लीजिए, अब आप बताइए आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, इसको जरूर ट्राई कीजिए फिर बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।